हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइसी ब्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। गैस पर पैन चढ़ा दिया है और मैंने एक चम्मच कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर फ्रेश कोकोनट को ऐड करने वाली हूँ। कोकोनट को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सौते करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से ये धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगा है। आइए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम पैन के अंदर मैंने दो प्याज को लंबा कट कर लिया है और उसे ऐड कर दिया है। दो मीडियम साइज के प्याज है जिसे हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कर लेना है। ये देखिए, हमारा प्याज भी अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हमें इसकी पेस्ट बनानी है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। एक बाउल के अंदर मैंने कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है जिसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ा सा मैंने पालक ले लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक लिया हुआ है, और तीन चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बेसन। हमें इसकी टिक्की बनानी है। ये देखिए, मैंने बेसन ऐड कर दिया है। अब एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब एक चम्मच मैंने सिर्फ पानी लिया हुआ है, और पानी की सहायता से हम अच्छे से एक इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए, पानी बहुत ही संभाल कर यूज़ करना। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये बहुत ही गीला आटा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने डो प्रिपेयर कर लिया है। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा अपने हाथों में ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको हाथों की हथेलियों के बीच में रख के हम प्रेस करते जाएंगे और इसका एक छोटा सा टिक्की का शेप दे देंगे इस तरह से। अब देख सकते हो, इसके किनारों को अच्छे से जोड़ लेंगे। मैंने उस मिक्सचर में से ये देखिए ये चार टिक्कियां प्रिपेयर कर ली है। हमें इसे फ्राई नहीं करना है। कोकोनट और अनियन भी अब ठंडे हो चुके हैं, तो आइए इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। सेम पैन के अंदर मैं दो चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे एक चम्मच, और जीरा अच्छे से सौते हो जाए फिर मैं चुटकी भर इसमें हींग डालूंगी। मैंने पिंच ऑफ हल्दी डाल दी है और हमारा पिसा हुआ मिक्सचर अनियन और कोकोनट का जो था उसे ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने ऑलरेडी ऑयल में सौते कर लिया था, तो इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मीडियम आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमें इसे भून लेना है। अब मैंने इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, डेढ़ बड़ा चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। हमारा ये मसाला अच्छे से भून जाए फिर हम इसके अंदर 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फाइनली मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक। मैंने नमक ऐड कर दिया है। जब ये हल्का सा बॉईल हो जाए तो एक एक करके हमने जो टिकिया बनाई हुई थी पालक और धनिए की उसे ऐड कर देंगे। हमें इसके अंदर ही इसे पकाना है दोस्तों, तो हमें इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। टिकियों को ग्रेवी में ऐड करने के बाद हमें इसे चम्मच की सहायता से ज़्यादा हिलाना नहीं है और हमें ना ही इसको ढक्कन ढकना है। हमें इसी तरह से स्लो फ्लेम पर इसे पकने देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने के बाद ये देखिए, हमारी टिकिया अब अच्छे से पक चुकी है और हमारी सब्जी रेडी है, तो आइए सर्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की कोकोनट की टेस्ट वाली डिफरेंट सी सब्जी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।